ये उनके लिए है जिन्होंने युद्ध नहीं देखा, ना रणभूमि देखी, ना उसकी सीमा रेखा। ये एक ऐसे सैनिक की कहानी है जो बस आगे बढ़ता गया, बीवी बच्चों का चेहरा उसके दिल में हौसला भरता गया, कंधे पे भारी बंदूक संभालते हुए भी मुस्कुरा रहा था। शायद उसे अपना घर परिवार याद आ रहा था, बचपन से लगी थी उसे देशभक्ति की लगन, देश सेवा का मौका पाकर था वो मगन। कभी याद आते उसे अपने खेत खलियान, तो कभी याद आता वो पुराना मकान, बूढ़े माँ बाप की सेवा में था ध्यान, शायद इसीलिए सुन नहीं सके उसके कान वो चीरती हुई गोली की आवाज। उसी समय तो ऊपर से निकला था जहाज, बेबस होकर गिर गया वो जवान, और साथ ही गिरे उसके सारे अरमान। कुदरत ने मचा दी फिर खलबली, जैसे उस दिन तेज हवा चली, रोती हुई हवाओं ने मनाया उसका शोक, मिट्टी सीने पे पड़ी बहता खून दिया रोक, धरती ने मां बनकर उसे सीने में छिपा लिया, एक बेटे ने मां के दूध का कर्ज चुका दिया, और दूर सबके टीवी पर एक दिन के लिए खूब ये खबर चली, एक और फौजी शहीद हुआ, नाम था अफजल अली। दूसरे दिन ना वो फौजी रहा ना उसका नाम, किसी ने कहा तो बस ये कहा, एक सैनिक ही तो था, कर गया अपना काम। इतना आसान काम है तो चलो हम सब कर जाते हैं, कहना है आसान, बलिदान का सत्कार तो कर नहीं पाते हैं। जय हिंद।